अगर अभी तक आपने यीशु की इस लाजवाल मोहब्बत का तजर्बा नहीं किया तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मोहब्बत मेरे लिए भी है। जी हाँ, आप जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जिस हाल में भी हैं, यीशु मसीह आपको जानते हैं और आपसे भी दायमी और लाजवाल मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने आपके लिए भी सलीब पर जान दी ताकि आपके गुनाहों का कफारा दिया जा सके। इंजील मुकद्दस में यीशु मसीह ने फरमाया कि सबसे बड़ा हुक्म ये है कि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। ईमान ही से हम यीशु की मोहब्बत को कबूल करते हैं और उनके कफारे पर ईमान लाकर गुनाहों की माफी हासिल करते हैं, और एक दफा फिर अपने तख्लीक के मकसद यानी खुदा के साथ रफाकत रखने और वक्त गुजारने को पहला दर्जा देने लगते हैं। और जब हम ये मोहब्बत हासिल कर लेते हैं तो फिर जिस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और हमें माफ किया, उसी तरह हम दूसरों से मोहब्बत रखते और उन्हें माफ करते हैं। अपने आखिरी वीडियो में हम ऐसे ही लोगों की गवाहियां सुनेंगे जिन्होंने ईमान से यीशु की मोहब्बत को कबूल किया। जाते हुए इस दुआ के साथ इजाजत चाहेंगे कि हम सब अपनी तख्लीक के मकसद को पूरा करते हुए खुदा की मोहब्बत को जानने और यीशु मसीह को पहचानने के ईमान के इस सफर को जारी रखें। संभाला है जीवन में हमको सदा।
को साफ वो कर दे सबको।